तो यू लेट्स गो वाली यार, कैसे हो आप लोग? आई होप कि तुम सब ठीक ही होगे। और भाई यार, आज के इस वाली वीडियो के हम लोग जाने वाले हैं डायमंड को माइनिंग पे। और भाई वहाँ पे एक रूइन पोर्टल है, चलो उसको लूटने चलते हैं पहले। और हाँ, ये मैंने अभी अभी देखा है, कोई ये नहीं समझेगा कि मैंने इसको क्रिएटिव से बनाया है, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ वहाँ पे। और आज की वीडियो में हम लोगों को करना है डायमंड माइनिंग। और मेरी सांस गई, ओके नाइस। मैग्मा वाले के अंदर देंगे हम, थोड़ी सी सांस आ गई, नाइस। चेस्ट कहाँ पर है? मैं मर जाऊँगा यार, पहले मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपसे चेस्ट को लूटने के बाद में। तो गाइस यार, अभी चेस्ट के अंदर तो है एफिशिएंसी 4 का हो और कुछ पोटेंशियल और 2 फायरबॉल, और मैं मरने वाला हूँ मुझे पता है। ओह नो, बच गए भाई, 1.5 को भाई। और हाँ, बेड वॉर्स में उसको फायरबॉल बोलते हैं, तो मुझे उसको यूज़ करना आता है थोड़ा बहुत। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए रुको, ज़रा सब्र करो भी। तो गाइज यार, अभी मैंने जो कल ऑफलाइन में एक पिग मारा था, तो उसके मेरे पास थोड़े पॉक चॉप हैं। और हाँ भाई, अभी हम चलते हैं डायमंड माइनिंग पे, और मुझे पहले देख के आना पड़ेगा कि डायमंड कहाँ पर मिलते हैं 1.19 में। तो आई थिंक सो कि डायमंड मिलते हैं हमें, किस में मिलते हैं भाई, -54 पे मिलते हैं शायद, चलते हैं। और ये पोलर बियर क्यों मार रहा है मुझे? शील्ड है, हाँ ये क्यों मार रहा है भाई, क्या दिक्कत हो गई भाई? मैं मिलता हूँ इसको मारने के बाद में। तो गाइस यार, मेरे पास 2 रॉक और हैं, क्या ये बिल्ली टेम होएगी भाई? अगर ये टेम हो गई तो ये मेरे वर्स्ट सर्वाइवल सीरीज की पहली बिल्ली होगी भाई। ओके इधर आजा भाई, ले ले ले। अरे यार गाइस, ओके मैं तेरे को टेम कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया इसको भाई, बिल्ली को? ओके ओके, ये पोलर भी मुझे मारने आ रहा है भाई। अरे यार चला जाना भाई, तेरे को मार तो दिया भाई, चल। तो गाइस यार, अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक न्यू विलेज ढूंढ लेना चाहिए भाई, क्योंकि ना ये विलेज इतना अच्छा नहीं है। और मुझे पता भाई, अगर मेरे को एक न्यू विलेज ढूंढना है तो उसके लिए मुझे अपना ये वाला घर पर सब छोड़ना पड़ेगा। तो ओके, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाई विलेज चाहिए मुझे। तो मैं चलता हूँ अभी अपना मेन सामान ले के, और जैसे कि फर्नेस ले लेते हैं, ठीक है। और ये मैं ले लूँगा, अभी कलेक्ट कर लूँगा, रुको थोड़ी देर, नहीं चेस्ट नहीं लेना। ओके ओके, तो मुझे इतना सारा स्टोन अच्छा, हाँ मैं कल माइनिंग पर था ना, इसलिए कॉपर नहीं चाहिए मुझे। ओके हम ले लेते हैं बैग। ओके ओके ओके। और गाइस यार, मैंने बिल्ली को टेम करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ वो भाग जाती है। रुको मैं आपको दिखा ही देता हूँ भाई, जैसे कि ये रही, देखो आ रही है अभी, ये भाग गई भाई, मतलब मेरी क्या गलती, आ जा। देखो मैं क्राउच हो रहा हूँ, भाग गई, आई मेरी। गाइस यार, इसको स्टन कैसे करूँ मैं, रुक जाओ। अब तो मैं इसको लेके ही रहूँगा, अभी मेरे हाथ में आएगी क्या, जरा तो आनी पड़ेगा। तो गाइस यार, मैं बिल्ली को तो नहीं पकड़ पाया, और अब हम चलते हैं एक और विलेज ढूंढने के लिए। उसके बाद हम ढूंढेंगे अपना डायमंड आर्मर बनाएंगे भाई, डायमंड ढूंढेंगे, बहुत सारे ढूंढेंगे इस बारी, ताकि अगर हम मर भी जाएं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा आर्मर हो। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तो अभी मैं चलता हूँ विलेज ढूंढने में, के विलेज ढूंढने, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो रुको थोड़ी देर, और हाँ मुझे स्नो वाला विलेज नहीं चाहिए भाई, जैसे ये था ना। और मेन रीज़न यही है क्योंकि ना भाई, यहाँ पे आते हैं स्ट्रे, फिर मतलब अभी सोचो मैं अपना पूरा घर वर बना लूँ, सब कुछ कर लूँ, उसके बाद फिर स्ट्रे मुझे परेशान कर दें, तो मुझे अपना पूरा घर वर छोड़ना पड़े। तो ठीक है, अभी चलते हैं। और आई थिंक सो मुझे इसके प्लान्स बना लेने चाहिए। ओके मिलते हैं उसे थोड़ी देर बाद में गाइस। तो रुको थोड़ी देर, बस थोड़ी देर।
तो गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ, मुझे एक और विलेज मिल चुका है। तो भाई ओपी भाई, अब कुछ नहीं करना मुझे मेरे यहाँ पे। अगली वीडियो में हम बनाएंगे अपना घर शायद से, जो कि बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, मैं प्लेन्स वाली बायोम में मुझे आके थोड़ा बहुत सही लगता है। और अगली वीडियो में हम अगली या उससे भी अगली वीडियो में हम इस एरिया को एकदम फ्लैट कर देंगे, ठीक है। और हमारा मेनली फार्म वगैरह यहाँ वहाँ पे बनेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक रवीन भी है। तो अभी चलते हैं हम डायमंड माइन करने। तो ऐसे करते हैं, विलेज के ऊपर से ही माइन करना स्टार्ट करते हैं। और भाई यार ये विलेज बहुत सही है, इसमें आयरन गोलम भी है, लेकिन ओके मेरे पास आयरन है तो हम आयरन गोलम को छोड़ देते हैं। और रास्ते में मुझे थोड़ा बहुत वो मिला था पिग, तो मैंने उनको मार दिया था। और बहुत सारे थे भाई वहाँ पे पिग, तो मैंने उनको मार दिया था और कर लिया था, उनसे फूड बना लिया था। और भाई यहाँ पे कितनी सारी है वैल हैं। तो ओके मैं चलता हूँ एक घर पे कब्ज़ा करता हूँ, और फिर चलते हैं हम डायमंड माइन करने। तो रुको थोड़ी देर, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में। तो कहते हैं मुझे जो जो सामान चाहिए था वो तो मैंने ले लिया। मैं यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ और सो जाता हूँ। और हाँ गाइस, डायमंड आर्मर बनाने के लिए भाई सब लोग तैयार हो जाओ, मज़ा आने वाला है। और इंचांटिंग रूम मैं ना ऑफलाइन ही बनाऊंगा, या सुनो वीडियो के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन वो शो नहीं करेंगे क्योंकि ना मुझे नहीं पता मैं शुगर केन कहाँ कहाँ से लाऊंगा। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। और माइनस -57 पे, मतलब ये बीच का जो नंबर है इसको -57 पे जाना चाहिए। पहले मैं आई थिंक पता नहीं किसमें खेलता था, 1.18 में या 1.17 में, मुझे नहीं पता भाई। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर नीचे डिग डाउन करने के बाद में। और मुझे पता है स्ट्रेट डाउन डिग डाउन नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, आप टेंशन मत लो। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर तो पानी है भाई यार, वो लापिस लजूला लैपिस, मैं फंस चुका हूँ। ओके नाइस, यहाँ पे थोड़े बहुत मैग्मा है इसलिए मैं थोड़ी सी सांस ले सकता हूँ। ओके नाइस गाइस, मैं कहाँ पर हूँ, शिट, मुझे मैग्मा से सांस लेना पड़ेगा। ओके गाइस, नाइस नाइस नाइस, हम बच जाएंगे, बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, मरेंगे तो नहीं एटलीस्ट। ओके नाइस, बच गए गाइस, टू हार्ट पे बच गया भाई। मैं मिलता हूँ आपसे ऊपर जाने के बाद में, रुको थोड़ी देर, मुझे तो टाइम लगेगा भाई। तो गाइस यार अभी मैंने बहुत ज़्यादा माइन कर लिया, और मुझे यहाँ पे आयरन दिख रहा है तो मैं इसको भी माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये बाद में डायमंड माइनिंग के काम आएगा। और भाई यार 1.19 में आयरन ज़्यादा मिलता है ना, नाइस। मैं मिलता हूँ उससे थोड़ा बहुत आयरन माइन करने के बाद में, और फिर जब डायमंड दिखेगा मैं तभी ऑन करूँगा वीडियो को। तो कितना आयरन मिल गया मुझे पता नहीं है भाई, वाओ भाई इतना आयरन किसी ने सोची नहीं होगी भाई, थारा भाई वीएमआर भाई थी। ओके मुझे गोल्ड दिख गया, मतलब गोल्ड से गोल्डन एप्पल बन सकता है जिन लोगों को नहीं पता। और गोल्डन एप्पल से हमें एक्स्ट्रा 2 हार्ट मिलते हैं पीवीपी करते वक्त, तो मैं ले लेता हूँ, काश 4 गोल्ड लो तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके भाई 4 से बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 8 है। मिलता हूँ आपसे ये माइन करने के बाद में, और चलते हैं डायमंड माइन करने के में। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पर 22 आयरन था, चलो रुको थोड़ी देर। और मैं सेटिंग्स ओपन क्यों कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, बल्कि ओके हाँ मैं सेटिंग्स इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी थी। तो रुको थोड़ी देर, मैं आता हूँ आपसे, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो रुको, तब तक के लिए रुको थोड़ी देर भाई, मैं कितनी बारी बोलूँगा। तो गाइस यार अभी ना मैं माइनिंग करते करते नीचे जा रहा था, और ना आपने चीज़ नोटिस की कि 1.19 में ना भाई ये साइड में इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब डार्क के, और इसलिए मेरे को अपनी थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज़ करनी पड़ी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत ब्राइटनेस में फ़र्क लग रहा है तो टेंशन मत लो, आपकी आँखें ख़राब नहीं हुई। और मैंने अपना फायर वॉल वेस्ट कर दिया, मुझे पता है इतनी मैंने जान के नहीं किया था सच में। ओके हम 57 पे आ चुके हैं, मुझे यहाँ से स्ट्रेट डिग डाउन करना है, तो डिग डाउन नहीं करना, स्ट्रेट माइनिंग करनी है। तो मिलता हूँ वहाँ से थोड़ी देर बाद में। और भाई मुझे पिकैक्स भी बनानी पड़ेगी, तो
थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ आपसे। तो गाइस यार थोड़ा सा माइनिंग करने के बाद में मुझे मिल चुके हैं डायमंड, और देखते हैं कितने सारे हैं भाई। पहले तो तीन ही दिख रहे थे भाई, 10-15 लग रहे हैं मुझे तो, मतलब ज़्यादा ही फेंक लिया मैंने कुछ, लेकिन भाई 5-6 तो होंगे ही, 5 तो हो ही गए हैं और 6 हो गए भाई। हमें 8 डायमंड मिल गए गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ा और माइनिंग करने के बाद में भाई, तब तक के लिए रुको आप थोड़ा सा। तो गाइस अभी मुझे रेडस्टोन भी मिल चुका है, और ये तो इतना रेयर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में बंदी ये ना बोले कि भाई आपके पास रेडस्टोन कहाँ से आया, क्या आपने क्रिएटिव यूज़ किया। तो भाई मैं अपने वर्ल्ड के अंदर क्रिएटिव यूज़ का नहीं करता बाकी। ओके अगर कभी ज़रूरी होगा, मतलब क्रिएटिव तो छोड़ो यार, क्रिएटिव कैसे ज़रूरी हो सकता है, और हाँ मतलब मैं यूज़ नहीं करता आज तक तो नहीं किया, अगर करूँगा क्यों वैसे। और हाँ मैं क्रिएटिव यूज़ करता हूँ, लेकिन इस वाले वर्ल्ड के अंदर नहीं करता हूँ, जो मेरा जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग करता हूँ अपनी पीवीपी वगैरह की, उसके अंदर करता हूँ। तो बस इसके अंदर मैंने आज तक क्रिएटिव यूज़ नहीं किया है, और पिछले सीज़न के अंदर भी नहीं किया था। तो रुको थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे थोड़ी माइनिंग करने के बाद में। तो गाइस अभी मुझे एक और डायमंड दिख चुका है, देखते हैं कितने हैं। ओके 2, 3, 4, 5, 6 और मेरी पिकैक्स टूट गई यार। रुको मैं क्राफ्टिंग टेबल बना के एक डायमंड की पिकैक्स बनाता हूँ, अगर मैं वुड होगी तो। रुको थोड़ी ज़रा देर। तो गाइस मैंने डायमंड की पिकैक्स तो बना ली, और अभी मेरे पास सिर्फ 11 डायमंड है, ठीक है। मुझे माइनिंग में भी थोड़ी बहुत ईजी हो जाएगी, और माइनिंग लगा के तो मैं कर ही लूँगा इसको रिपेयर। और भाई हम बेडरॉक पे हैं, ओके मतलब इस बार की डायमंड बेडरॉक के वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे बेडरॉक है। अभी मैं -59 पे वो कर रहा हूँ, तो ओके यहाँ पे करना है हमें। मैं मिलता हूँ आपसे और थोड़े डायमंड माइन करने के बाद में, तब तक के लिए रुको थोड़ी देर। तो गाइस मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि अभी रुको थोड़ी देर, और यहाँ पे एक और डायमंड है, बस देखते हैं कितने हैं। तो ये क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही था, लॉल हो गया गाइस मेरा। मिलता हूँ आपसे और थोड़े डायमंड माइन करने के बाद में। तो गाइस अभी मुझे थोड़ी और डायमंड दिख चुके हैं, और अब मैं इनको माइनिंग कर रहा हूँ। ओके यहाँ पर लैपिस लाजूली भी है, क्योंकि मुझे जॉइंट करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा, तो उसको भी ले लेते हैं। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तो गाइस यहाँ पर रेडस्टोन भी था लैपिस लाजूली के साथ में, तो हम अपना एक सीक्रेट बेस भी बनाएंगे बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर हम अपना नेदरराइट का आर्मर रखेंगे। और हाँ इस बार मैं नेदरराइट का आर्मर थोड़ी जल्दी बना लूँगा भाई, मतलब अब आई थिंक। ओके यहाँ पे एक और डायमंड है, नाइस। ओ एक और डायमंड है भाई, मैंने ये मिस कैसे कर दिया था। ओके तो आई थिंक कि हम नेक्स्ट एपिसोड में ना अपना रेड करवाएंगे। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट एपिसोड में रेड करवाएंगे, और क्या करें, नेक्स्ट एपिसोड में रेड करवा देंगे, और क्या करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और हम करेंगे, और ना हम एक फार्म बनाएंगे, जैसे कि या तो वीट फार्म बना देंगे या तो कोई भी फूड फार्म बना देंगे, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, थोड़े डायमंड ढूंढने के बाद में। और मुझे पता है आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्लियर दिख रहा है। तो गाइस मुझे डायमंड तो दिख चुके हैं, मुझे पता है आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फ्लिंट स्टील मार देता हूँ, फ्लिंट एंड स्टील, और मुझे देखते हैं कितने डायमंड मिले, 2, 3, 4, 5 और ये हुआ 6, और भाई 6 से ज़्यादा, और 7 और 8 तो नहीं है। अरे यार इतना डर लगता है कि अपने ऊपर ही ना लगा दूँ मैं आजकल। चलो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़े और डायमंड माइन करने के बाद में, और मुझे डायमंड चाहिए होंगे लगभग 34 चाहिए होंगे मुझे, या 35, मतलब ज़्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं,
बाकी कम भी मिल जाए एक दो तो कोई बात नहीं यार। अब एक दो के लिए तो मैं दोबारा नहीं करूँगा ना माइनिंग। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए रुको ज़रा, सब्र करो भाई। तो गाइस अभी मुझे और डायमंड दिख चुके हैं और अभी मेरे ऊपर आग भी लग गई थी, तो एक दो तीन, बस तीन, ओ तीन चार पाँच, यार सर पाँच डायमंड मिले मुझे तो, देख लेता हूँ आप नहीं। ओके आगे तो क्या मरूँगा। ओके गाइस बच चुका हूँ, मिट्टी नीचे की ग्रेवल हटा लेता हूँ और कहीं पे तो आग लग जा भाई। गाइस गाइस मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में। और ओके तो अभी मेरे 31 आ गए हैं और भाई तीन कम है यार, तीन तो ज़्यादा होते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद में, तो रुको ज़रा, थब्बड़ करो और आग लगाओ। मैं अरे ऊपर नहीं लगाऊंगी तो भैया नीचे निकल गई। तो लगाए तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। गाइस यार देखो मुझे डायमंड मिल गए भाई, और तो दो मिले, तीन चार पाँच छ सात आठ, भाई 39 डायमंड्स हो गए भाई। अब चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे ऊपर मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करो थोड़ा सा और रुक जाना भाई, ठीक है। और मैं अटक गया कहीं पे, हम तो और गाइस मैंने तो एक चीज़ नोटिस ही नहीं करी भाई, हमारे पास तो डायमंड की पिकैक्स है, मतलब पहले से ही, मतलब मैंने बना ली थी ना, तो तीन डायमंड और बच जाएंगे भाई। ओके और एन्चांट हम ऐसा करते हैं, एन्चांटिंग टेबल ना मैं अभी बना लेता हूँ और एन्चांट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको डायमंड एन्चांटेड ही मिलेगा भाई, क्योंकि ना भाई मैं बोर हो जाता हूँ एन्चांट करते करते। तो रुको थोड़ी देर में आता हूँ आपसे, मिलता हूँ आपसे 2 मिनट बाद में। तो गाइस यार अभी मैं बना रहा हूँ अपना डायमंड का आर्मर, तो गाइस ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में बना के रखूँगा एक एन्चांटिंग टेबल और उसके साथ में थोड़ी सी बुक शेल्फ, वो मैं देख लूँगा कि अगली वीडियो तक मैं कैसे बनाता हूँ, मुझे कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई वो तो आपको नहीं पता। लेकिन ओके मैं इस चेस्ट में रख देता हूँ अपने थोड़े से डायमंड भी बचे हैं और मैं पहन लेता हूँ अपना आर्मर और इस वीडियो को करते हैं एंड भाई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।